नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं उपस्थित हूं एक और शानदार वीडियो के साथ। और यह जो वीडियो आज हम लेकर आए हैं, ये हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हमें हिंदी साहित्य का इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए हम विभिन्न लेखकों के, विभिन्न आलोचकों द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं हिंदी साहित्य के विषय में, उनका अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें एक मेथड को फॉलो करना पड़ता है और हमें देखना पड़ता है कि यह जो हिंदी साहित्य का ग्रंथ है, यह किस पद्धति से लिखा गया है। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आज इस क्लास में हम हिंदी साहित्य को, या ये कहें कि इतिहास को किस ढंग से लिखा गया है, उसके मेथड्स क्या क्या हैं, क्या पद्धतियां काम में ली गई हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको पता है कि अगर हमें साहित्य का सांगोपांग अध्ययन करना है, हमें उसका विस्तृत अध्ययन करना है, चिंतन करना है, समझना है, साहित्य के विषय में एक दृष्टिकोण विकसित करना है, तो हमें उस भाषा के साहित्य का इतिहास जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हिंदी का इतिहास जो है वो भी उससे अछूता नहीं है। ये हम जानते हैं कि मोटे तौर पर हिंदी साहित्य का जो इतिहास आरंभ हुआ वो 1000 ईस्वी से आरंभ होता है और आज 2021 तक हम आ पहुंचे हैं, 2020 तक आ पहुंचे हैं, सॉरी, हम वर्तमान में 2020 में हैं। तो हिंदी का जो मोटा मोटा साहित्य है वह 1000 ईस्वी से शुरू होता है, जहां पर हिंदी साहित्य की भाषा के रूप में प्रयोग की जाने लगी। और 1000 ईस्वी से आज तक 2020 तक हिंदी साहित्य जो है वो विभिन्न पड़ावों से गुजरकर आज अपनी स्थिति तक आ पहुंचा है। तो इन लगभग 1000 का जो इतिहास है, 1000 सालों का जो साहित्य है, वो इतिहास के रूप में विकसित किया गया है। और हमें साहित्य को, हिंदी साहित्य को पूरा का पूरा जानना है तो इन 1000 साहित्य में हिंदी साहित्य की जो विकास यात्रा है वह किस प्रकार आरंभ हुई और उसे किन किन पड़ावों से गुजरते हुए वर्तमान तक, वर्तमान स्थिति तक जब हम आए हैं, तो उसके क्या क्या बीच बीच में पड़ाव आए, क्या उसमें दिक्कत आई, कौन कौन से साहित्य लिखे गए, कौन कौन सी विचारधारा प्रकट हुई, इन सब बातों का अध्ययन हमें साहित्य के इतिहास ग्रंथ में मिल जाता है। और साहित्य का इतिहास जो है वह किन पद्धतियों को मद्देनजर रखते हुए लिखा गया है, यह देखना बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह लगभग, जो साहित्य के ग्रंथ आज तक लिखे गए हैं उनमें मोटे तौर पर, बहुत मोटे तौर पर जिन विधियों का प्रयोग किया गया है, जिन पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, वह 5 पद्धतियां आपके सामने हैं। सबसे पहली जो पद्धति है वो है वर्णानुक्रमी पद्धति। आप ध्यान दीजिए, यह जो क्लास है वह प्रथम वर्ष, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें जब वो हिंदी साहित्य को लेकर पहली बार बीए प्रथम वर्ष में प्रविष्ट हुए हैं, या वे विद्यार्थी जो और दूसरी अध्ययन की शाखाओं से आए हैं, फैकल्टीज से आए हैं, जैसे साइंस के विद्यार्थी साइंस को छोड़कर आर्ट्स में आते हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी आए हैं, तो उनको हिंदी साहित्य के विषय में ज्ञान के लिए और हिंदी की जानकारी के लिए, मूलभूत जानकारी के लिए साहित्य का इतिहास पढ़ना बहुत आवश्यक है। और हमें साहित्य के इतिहास पढ़ते समय हमें ये देखना जरूरी है कि यह साहित्य का ग्रंथ किस पद्धति से लिखा गया है। तो पहली जो साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति है वह है वर्णानुक्रमी पद्धति। दूसरे नंबर की आती है कालानुक्रमी पद्धति। तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति। चौथी है विधेयवादी पद्धति। और पांचवी है नारीवादी पद्धति।
हालांकि इसके अलावा भी एक दो पद्धतियां और हैं जिनके ऊपर आज तक साहित्य का इतिहास, हालांकि पद्धतियां हैं लेकिन उनको आधार बनाकर साहित्य का इतिहास ग्रंथ कोई अब तक सामने नहीं आया। ये पांच पद्धतियां हैं जिनके आधार पर अब तक के साहित्य ग्रंथ लिखे गए हैं, इसलिए हम इन पांचों पद्धतियों के बारे में चर्चा करना यहाँ पर मुनासिब समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्णानुक्रमी पद्धति। यह इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में अल्फाबेटिकली ऑर्डर मेथड्स भी कहते हैं। अर्थात इस पद्धति में जो साहित्य ग्रंथ लिखा जाता है उसमें जिन कवियों को या जिन साहित्यकारों को स्थान मिला है उन्हें उनका संकलन करने का जो आधार होता है वह उनके नाम का अक्षर होता है। अर्थात कवियों के नामों को आधार बनाकर, नामों की वर्णमाला को, अल्फाबेटिक जो ऑर्डर है उसको आधार बनाकर कवियों को स्थान दिया जाता है। उदाहरण के लिए कबीर एक कवि है, कण्हपा एक कवि है, कबीर एक कवि है, केशव और एक कवि है कुंवर नारायण। तो ये सभी के सभी इनका नाम जो है वो कै वर्ण से शुरू हो रहा है, लेकिन ये सब के सब कवि अलग अलग पड़ावों के कवि हैं। जहां कण्हपा आदिकाल के कवि हैं, कबीर भक्ति काल में आते हैं, केशव रीति काल में आते हैं और कुंवर नारायण जो है आधुनिक काल में आते हैं। लेकिन जब इस पद्धति से, इस वर्णानुक्रमी पद्धति से साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा तो इन चारों को, चाहे वो कण्हपा हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो केशव हो और चाहे वो कुंवर नारायण हो, इनको एक जगह पर स्थान दिया जाएगा। तो यह इस पद्धति की विशेषता है कि कवियों को उनके नाम क्रम के आधार पर उनको व्यवस्थित किया गया है। अब यह जो पद्धति है प्रारंभिक पद्धति थी और इसका जो प्रयोग था वो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रयास करने वाले फ्रेंच जो विद्वान थे जिनका नाम था गार्से दे तासी। ये वे विद्वान थे जिन्होंने फ्रेंच में अपना साहित्य का इतिहास का ग्रंथ प्रस्तुत किया, उन्होंने इस मेथड का प्रयोग किया। अब ये जो मेथड है ये बहुत ज्यादा असंगत है। साहित्य का इतिहास लेखन की सबसे खराब पद्धति या सबसे दोषपूर्ण पद्धति है मानी गई है, क्योंकि यह पूर्णतः अवैज्ञानिक है और दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें अलग अलग पड़ावों के कवियों का, अगर एक ही प्रकार का नाम है तो उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया है। तो इतिहास तो वास्तव में क्या होता है, घटनाओं का क्रमिक क्रमिक वर्णन होता है ताकि हम तिथि क्रम के अनुसार उस कवि तक पहुंच सकें या उस विचारधारा को खोज सकें या उस साहित्य को खोज सकें। तो उस उद्देश्य से यह जो पद्धति है यह बिल्कुल बेकार सिद्ध होती है। हालांकि ये प्रथम प्रयास था इसलिए बहुत ज्यादा इस पे अपेक्षा करना भी उचित नहीं है। तो ये जो पद्धति है यह है वर्णानुक्रमी पद्धति, क्योंकि यह जो पद्धति है यह कवियों को उनके नाम के आधार पर एक जगह व्यवस्थित करती है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अनुसार उसको ऑर्गेनाइज करती है। क्योंकि ये प्रथम प्रयास था इसके लिए, और इसमें खामियां क्या-क्या हैं, क्योंकि अवैज्ञानिक है, दोषपूर्ण है, बहुत सारे विवादों को जन्म देने वाली है। इस पद्धति का जो प्रथम प्रयोग किया था वह गार्स द तासी नामक फ्रेंच विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंदुए एंदुस्तानी नामक ग्रंथ में किया था। बाद में आलोचकों ने इस पद्धति को खारिज कर दिया और इसको, इसमें लिखे गए इतिहास ग्रंथ को केवल साहित्य कोश कहा जाने लगा, क्योंकि इसने साहित्यकारों को उनके नाम के अनुसार एक जगह व्यवस्थित कर दिया था। इसलिए इसमें लिखा गया ग्रंथ, इतिहास न कहकर उसको क्या कहा जाने लगा, साहित्य कोश। तो यही इसकी यह सीमाएं हैं।
अगली जो पद्धति है